ये रही कि हम थोड़े लेट शुरू हुए हैं और थोड़ा लेट समाप्त कर रहे हैं, लेकिन शमसुद्दीन भाई आपकी आवाज़ माशाल्लाह है, तो मैं आपके निवेदन करूंगा कि एक शाम किसी दिन फिर भी थोड़ा बारिश कम हो जाए तो हमारा हरियाणा कला परिषद है उसके माध्यम से यहाँ एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। आप सब समर्थन करते हैं ना, चलिए इसलिए उनको बुलाएंगे बहुत उससे। मैं एक निवेदन आप सबको करना चाहता हूँ, जितने भी आयोजक हैं बहुत ज़्यादा अनौपचारिकता के साथ, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ लोग अभी मेवात के लोग बैठे होंगे, जरूर शत प्रतिशत मेवात के होंगे। शमसुद्दीन भाई मैं एक बहुत गजब चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये गाने आप सबने बनाए, एक गाना आप राजा हसन खां मेवाती पे बनाइए। उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, जब बाबर आ रहा था ना तो बाबर ने उनको पत्र लिखा कि आप मेरे कौमी भाई हो, आप मेरे खिलाफ मत लड़िए। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि 100% आप मेरे कौमी भाई है, आप कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम दोनों पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपने मेरे वतन पर हमला किया है इसलिए मैं आपका प्रतिकार करूंगा, और 12,000 मेवों के साथ उनकी शहादत दे दी। ऐसी वतन प्रस्त धरती हमारी ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर दूर है। और मैं आप सबको बता रहा हूं क्योंकि मेरा मेवात से पिछले 3-4 साल से लगातार एक बहुत ज्यादा टच है। मैं आपको पहली बार एक आपको बता दूं तो जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज बहुत ही वेल सेटल लोग थे, यदि वो फांसी भी देते थे ना तो भी डॉक्टर को बुला के पूरे इंतजाम के साथ देते थे। लेकिन एक ऐसी जगह है वो वतन प्रस्तों की धरती है मेवात, जिनसे वो इतना खौफ पाते थे कि लोगों को खुले में फांसी दे दी गई, कोई डॉक्टर वो नहीं आया, और 10,000 मेवातियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी 1857 की क्रांति में। हम जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप आज अपने गूगल पे सर्च मारना एक बार, और एक बार विचार करना कि 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में वो विभाजन खत्म हो गया, ऐसा कारण क्या था। मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो ऐसे गायकों का है, ऐसे सूफी गायक हैं, और मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि आपकी मेवात की सरजमी पर भी एक भव्य कार्यक्रम मेरे मन में जागृत हुआ है। आपसे निवेदन है, समय आप दीजिए, हम मेवात के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की जरूरत है जो आजादी के तराने गाएं, इस तराने को पूरे देश भर में गुंजयमान होना चाहिए, हर जगह ये फैलना चाहिए। मुझे लगता है कि यही जो गीत हैं यही हम सबकी ताकत बनेगा, और ये देश जिस दिन इकट्ठा होगा उस दिन कोई ताकत, कोई बुरी ताकत हमको नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और मैं अंत में आप सबको आज़ादी के इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलके रहें, कुछ बहकावे में नहाएं, और अपने देश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, मुझे लगता है इन गानों से आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, इस भाव के साथ, ठीक है। और मैं विशेष रूप से मेरे पुलिस साथी हैं उनका जरूर धन्यवाद करूंगा कि वो बार बार टाइम देख रहे थे, और आप सबका कि हम सब इतनी बारिश के बाद भी हम सब इकट्ठे हुए और इतने अच्छे वातावरण में हम सब ने किया। परमात्मा ने भी कितना अच्छा योगदान दिया हमें कि एक शाम हम सबके लिए हुई, उसके लिए आयोजक, हमारे साथी, हमारे गायक मंडली जितनी भी है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम एक ना एक शाम जरूर जल्द मिलेंगे, इस आसार विश्वास साथ हरियाणा सरकार आपके इस पूरे कार्यक्रम को प्रायोजित करेगी, उसमें आप निश्चिंत रखिए, इस पूरे कार्यक्रम को हम अपनी ओर से स्पॉन्सर रखेंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। मैं तौकीर अलवी जी से गुजारिश करूंगा कि मुहिबान औलिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से हमारे आज के जो अतिथि हैं उन्हें एक किताब एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। मैं गुजारिश करूंगा नेत्रपाल जी स्टेज पर आ जाएं।
प्रोफेसर गौरव वल्लभ, उन्होंने भी वादा किया था इस प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन कुछ उनके पर्सनल कमिटमेंट की वजह से वो आ नहीं पाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो हमसे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी हम जो है ये किताब प्रस्तुत करते हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।